हाँ प्रवीण बोल। हाँ मैं शायद कल ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। हाँ हाँ मुझे मालूम है, बजट के टाइम है, मेरी ना रहने से तुम्हारे ऊपर काम की बोझ ज्यादा हो जाता है। क्या करूं, गांव से चाचा चाची आ रहा है, चाची की तबीयत बहुत बुरी है। हाँ हाँ साथ में माला भी आ रहा है। ठीक है तुम एक बार मौजूमदार को बोल देना। हाँ और एक काम करना, हो सके तो तुम भी एक बार मेरे घर आ जाना, चाची अक्सर तुम्हारे बारे में बातें करते हैं। हाँ हाँ ठीक है मैं मौजूमदार को एक बार बोल दूंगा। हाँ ओके ओके भाई। तुम आज ऑफिस क्यों नहीं जाओगे? देखो चाचा चाची पहली बार हमारे घर आ रहा है, इससे पहले जब वो आए थे तब फ्लैट अंडर कंस्ट्रक्शन था, उन लोगों ने कुछ देखा ही नहीं, फ्लैट पूरा ढका हुआ था। इस बार ही वो लोग फ्लैट को अच्छी तरह से देख पाएंगे। तुम उन्हें फ्लैट दिखाओगे या डॉक्टर को चाची की बीमारी? अरे मैं पहले उनको डॉक्टर के पास ही ले जाऊंगा, इसलिए मैं आज ऑफिस भी नहीं जाऊंगा। तुम ऑफिस क्यों नहीं जाओगे? तो फिर उनको डॉक्टर के पास कौन लेके जाएगा? मैं नहीं हूँ क्या? बाजार तो तुमने कर ही रखा है, गाड़ी से मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। और तुम क्या डॉक्टर के पास ले जाओगे? तुम तो एक सुई से भी डरते हो। ठीक है ये सब तुम ही संभाल लेना। ऊपर से मेरा भाई जीएमसी में काम करता है, उसने तो तुम्हें कहा ही है, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे चाची को आने दो, दो तीन दिन ठहरेगी, इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है? ठीक है मेरे ऑफिस में भी बजट का काम चल रहा है, एक्चुअली मुझे ऑफिस में ही रहना चाहिए था, लेकिन ये सब काम तुम संभाल पाओगी ना? अरे बाबा मैं संभाल लूंगी, तुम्हें टेंशन देने की जरूरत नहीं है। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मैंने टेंशन लिया ही नहीं, तुम्हारे आने के बाद मेरे जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं। अच्छा अब छोड़ो, मुझे गेस्ट रूम साफ करना है। अरे वो सब काम तो मैंने कब का कर दिया। अच्छा चाचा और चाची दूसरी बार घर आ रहे हैं, लेकिन माला तो पहली बार के लिए आ रही है। हाँ, माला पहली बार के लिए आ रही है। जब मैंने शहर में फ्लैट लेने की बात चाची को कही थी तो चाची को कितनी शिकायत थी, लेकिन अब वो क्या सोचेगी? कुछ नहीं सोचेगी, तुम भी ना हद से ज्यादा सोचते हो। जब मैंने गांव में 2 बीघा जमीन बेच दिए थे तब उन्हें बहुत शिकायत थी। मुझसे तो 1 साल तक अच्छे से बात भी नहीं की थी, अगर चाचा जी मदद नहीं करते तो हम ये फ्लैट भी नहीं ले पाते। तब तो मैं उस घर के लिए एक बुरी लड़की थी। हाँ, तुम्हें तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा। मुझे मालूम थी पढ़ी लिखी लाने से ऐसे ही होगी, उसे इस घर में आए सिर्फ 6 महीना हुए हैं और आते ही मेरे भतीजे को उकसा रही है। तुम गलत समझ रही हो, अरे उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। आप तो हमेशा उसकी तरफदारी ही करते हैं, भतीजे ने क्या कहा था? उसने भी कुछ नहीं कहा, मैंने ही उसे शहर में फ्लैट लेने के लिए कहा। आपने? हाँ मैंने। अरे उस जमीन पर हमारे परिवार ने आज तक कदम नहीं रखा, साल के 4-5 महीने पानी के नीचे रहते हैं। अरे उस जमीन पर कुछ कर नहीं पाएंगे तो उस जमीन को रखकर क्या फायदा? ठीक है ये सब भी शायद उसी ने ही सिखाई है आपको। हाँ उसी ने ही सिखाई है। अच्छा मैं सही समझ रही थी, आपने उसे सर पर चढ़ा कर रखी है। जिस दिन पहली बार मिली थी ना तब भी मुझे मालूम पड़ गई थी वो कैसी लड़की है। अच्छी लड़की है। फिर हो गई ना शुरू, खेत के जमीन बेचकर शहर में फ्लैट लेना चाहती है। तुम ही ना, कहां से कहां पहुंच जाती है, उसने क्या कहा तुमने सुनी ही नहीं। मेरे सुनने से क्या होगा, आपको जो करना है वो आप कीजिए। तुम समझती क्यों नहीं? कुछ नहीं समझूंगी, पानी में डूबा हुआ जमीन है तो क्या हुआ, उसका भी कीमत है। कीमत तो है पर वो जमीन सबके लिए नहीं है। मैं समझी नहीं उसने क्या कही थी, मुझे अच्छी तरह से मालूम है। तो बताओ उसने क्या कही थी? वो छोटी सी किराए के मकान में नहीं रह सकती, यही ना? नहीं उसने एक दूसरी बात कही है। मैं समझ गई आप उसकी मीठी मीठी बातों में आ गई, अब मुझे आपकी कोई भी बात नहीं सुननी है। अरे तुम उसकी बात सुनती तो समझ पाती ना।
उसने एक दूसरी बात कही है, अच्छी बात। क्या सोच रहे हो? नहीं नहीं कुछ नहीं। अरे जल्दी तैयार हो जाओ, चाचा और चाची पहुंचने ही वाले हैं। हाँ ठीक है, मैं जाकर फ्रेश होके आता हूँ। बैठिए चाचा जी। बैठिए। तरुण। हाँ बोलिए चाचा जी। ऊपर का जो फ्लैट बन रहा है वो ले लेने से अच्छा रहेगा। हाँ चाचा जी, ऑफिस से एक लोन मिलेगा, लोन मिलते ही मैं ऊपर का फ्लैट भी खरीद लूंगा। और आप लोग जब भी यहाँ आएंगे वहाँ रह सकेंगे। मतलब ऊपर का फ्लैट हम सबके लिए है? सबके लिए है, स्पेशली आप दोनों के लिए। ऊपर का फ्लैट खरीदने के बाद आप दोनों जब सहे तब यहाँ आकर सुकून से रह सकते हैं। ठीक है। अच्छा आप लोग बातें कीजिए, मैं पानी लेके आती हूँ। कैसी लगी? बहुत अच्छा चाची। हाँ आज आसमान बहुत सुंदर लग रही है ना? हाँ एक ही आसमान है चाची। मैदान से जो आसमान दिखती है ये वही आसमान है। हाँ पहले काम कर लेते हैं, बाद में आसमान देखेंगे। हाँ आप चिंता मत कीजिए, सारा इंतजाम हो जाएगा। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। चाची आप मछली क्यों नहीं खा रही? तुम्हें मालूम है ना मैं बड़ी मछली नहीं खाती, छोटी मछली क्यों नहीं लेके आए? हाँ चाची मुझे मालूम है, लेकिन आज मैंने चारा गुवाहाटी चांद मारा, कहीं पर भी मुझे छोटी मछली नहीं मिली, आज खा लीजिए। नहीं नहीं बीमार दिखाने आई हो, और बीमार बुलाना नहीं चाहती मैं। चाची कुछ नहीं होता, खा लीजिए आज। नहीं नहीं आज दाल सब्जी से ही हो जाएगा। ठीक है जैसी आपकी मर्जी, लेकिन रात को मैं चिकन ला रहा हूँ, वो खाना पड़ेगा आपको। हाँ खाऊंगी लेकिन लोकल चिकन। हाँ ठीक है मैं लोकल चिकन ही लाऊंगा। हाँ ले ये रख ले, शहर में जमीन खरीदने के लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं है, फ्लैट लेने से हमारे लिए अच्छा रहेगा, लेकिन जो भी फ्लैट लोगे अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लेना। ठीक है मैं सब कुछ अच्छी तरह से देख लूंगा, हो सके तो आप भी एक बार आकर देख लेना। मौका मिलेगा तो जरूर आऊंगा, शहर में अपना फ्लैट रहेगा तो अच्छा रहेगा। मैं तो शहर में जमीन खरीदना चाहता था, लेकिन आपकी बहू ने ही फ्लैट खरीदना चाहा। फ्लैट? मैं वहाँ नहीं रहूंगी। आपके लिए भी एक घर बनाया है, मिस्त्री से बात कर ली है मैंने। मालूम नहीं क्या करना चाहते हो, तुम लोग नहीं रहने से हम लोग अकेला पड़ जाएंगे, और तुम अगर चाहे तो खेत के मैदान के पास ही घर बना सकते हो। उस मालती के बेटे को देखा नहीं, एक ही महीने में उन्होंने कितना अच्छा घर बनाया है। हाँ देखा है चाची, लेकिन ये क्या सही बात हुई, खेत की जमीन पर खेती करना चाहिए। घर बनाया तो क्या हुआ, एक घर बनाकर कितना जमीन बर्बाद कर रहे हैं ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अगर खेती करने के लिए जमीन ही ना हो तो लोग खाएंगे क्या? हाँ अगर लोग इस तरह से घर बनाते रहेंगे तो एक दिन मिर्च बैंगन की खेती करने के लिए भी जगह नहीं बचेगी। मिर्च? हाँ मिर्च। क्या हुआ? अरे कुछ बोलती क्यों नहीं मनोरमा? कुछ नहीं।
चाची को शायद गांव में कोई याद कर रहा होगा। पानी पी लो, शहर का पानी बड़ा मीठा होता है। हाँ चाची पानी पियो। तरुण भैया। हाँ हाँ मिलन, आओ आओ आओ। चाची ये मिलन है। हाँ, नमस्ते। नमस्ते। मिलन मेरा ऑफिस में काम करता है, मेरा साथ। भैया मुझे आने में देर तो नहीं हुआ ना? अरे नहीं नहीं, बैठो, कुछ खाया कि नहीं? हाँ मैं खाना खा के आया हूँ। चाय पियोगे? हाँ चाय पिया जा सकता है। हमारी माला बहुत अच्छी चाय बनाती है। मैं कहाँ अच्छी चाय बनाती हूँ। अच्छा तुम बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। ठीक है भाभी। चलो माला। बैठो बैठो। चलो। हाँ हाँ चलिए, तुम बैठो ना। बैठो बैठो बैठो। ठीक है अंकल, तो तुम लोग बातें करो। हाँ ठीक है चाचा जी। मिलन। हाँ भैया। इनकी जिम्मेवारी मैंने तुम पर चौपा है। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है भैया। माँ यहाँ से 2 चम्मच दवाइयाँ खा लेना। मैंने हर दवाइयों पर लिख दिया है कौन सा दवाई कब लेना है। मिलन भैया 2 दवाइयाँ और लाएंगे। मिलन बड़ा अच्छा लड़का है, और तेरी भाभी भी सब कुछ पहचानती है। भाभी तो पूरा शहर पहचानती है। हाँ सब कुछ जानती है वो। घर का सारा सामान यही लाती है। हमको अगर कहीं पर छोड़ा तो हम तो कुछ भी नहीं पहचान पाएंगे। एक ही बात है चाची, गांव में हमारा जमीन कहाँ है ये पूछने पर इन्होंने दूसरों का जमीन नहीं दिखाया था। अरे हाँ तो। इसीलिए तो उस समय मैं जमीन बिकने का विरोध नहीं किया था। अरे अब छोड़ो ना इन सब बातों को, रात काफी देर हो चुकी है, जाओ अब सो जाओ। क्यों क्यों छोड़े? नहीं छोड़ेंगे। अरे बहू ने उस समय ठीक ही कही थी कि फ्लैट ले लेना चाहिए। अरे सभी जमीन की अपना अपना मूल होता है। गांव में खेत की जमीन की अलग और शहर में फ्लैट बनाने की जमीन की अलग है कि नहीं। चाची की बातें सुनकर अगर आंगन में घर बनाया होता तो बहन की शादी के लिए जगह नहीं बचती। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। क्यों याद है हमारे विनोद के लड़के की शादी में क्या हुआ था? दूसरों के आंगन में शादी रचाना पड़ा है? तुम सिर्फ शहर की बातें मत क्या कर। लेकिन अरे यहाँ पर तुम्हारे एक फ्लैट है, इसकी वजह से आराम से रह रही हो। हाँ मैं तो कुछ जानती ही नहीं हूँ, सब आप ही को मालूम है और आप ही जानते हैं। तुम्हारी चाची से मजाक करके बड़ा अच्छा लगता है। अरे शहर आज के नहीं है, सभ्यता का विकास शहर से ही हुई है। गांव में लोग रहकर खेती करते हैं। अगर खेत की जमीन पर घर बनाएंगे तो खेती कहाँ से होगा? हम लोग खाएंगे क्या? भूखे मर जाएंगे। इसलिए लोगों को शहर आकर खेत करने वालों को मदद करनी चाहिए, है कि नहीं? हाँ। एक काम करते हैं, तुम्हारी चाची नाराज है, समझाता हूँ। जाइए जाइए। जरा उधर जाओ, मैं थक गई हूँ। चाचा और चाची मेरी भी तो जिम्मेदारी है। हाँ चाची आजकल पूरा बदल गई है। हाँ एक बात कहूँ? कहो। बातें ध्यान से सुनना चाहिए। अरे बाबा मैं ध्यान से सुन रहा हूँ, बोलो क्या बोलना चाहती हो? मैं माला की बात कर रही हूँ। माला की? क्या हुआ, उसने कुछ कहा क्या? उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही है। उसकी आंखें कह रही है? हाँ मैंने उसकी आंखों में मिलन के लिए प्यार देखा है। अगर उसकी शादी मिलन से हो जाए तो? शादी? तुम सीधे शादी की तरफ? सीधा नहीं, मैं 2 दिन से गौर कर रही हूँ, बीमारी की इलाज करने के लिए आकर एक अच्छी बीमारी चुन ली है। यह अच्छी बीमारी है, मेरा मतलब है मिलन अच्छा लड़का है। इस बात को मुझे याद रखना पड़ेगा। ठीक है चलो अब सो जाओ, सुबह बात करेंगे। बहू
बदल गई है ना? बदली नहीं है, वो पहली जैसी ही है, बस सिर्फ हमारी नजरिया बदल गई है। मालूम नहीं। सो जा, कल सुबह हमें जल्दी लौटना है। हाँ, मिलन हमें स्टेशन तक छोड़ के आएगा। मुझे मालूम है। मलया ने एक बात कही थी। मुझे मालूम है। लड़का अच्छा है। तुम तो यहाँ आना ही नहीं चाहती थी। हमेशा मुझे दोष क्यों देते हो? नहीं नहीं, बहू की सोच को पहले हम समझ नहीं पाए थे, वही कह रहा हूँ। वो बहुत सारे बातें जानती है। MBA की हुई लड़की है ना, वो जब गांव में थी बेकार में एक पैसे भी खर्च नहीं किया उसने। जब तरुण का प्रमोशन पक्का हुआ तब जाकर उसने फ्लैट लेने की बात कही, और उसे तो यहाँ परमानेंटली रहना ही है। अब जिस घर में वो पहले किराए पर रहता था उसका किराया था महीने का 10,000, तो साल का कितना हुआ? 1,20,000, है कि नहीं? सो तो है। अब देखो, हमारे पास अपना घर है ना? हाँ है। किसी बीमारी से परेशान है, चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। दीदी नहीं है क्या? दीदी मतलब? इस घर की मालकिन। क्यों, कुछ काम था? हाँ, उन्हें बुलाइए। जो काम है वो मुझे बताओ, वो बाथरूम में है। हाँ, कुछ पैसे देने थे। पैसे? हाँ, काम के पैसे। कौन सा काम? आपको क्या मुझे सब कुछ कहना पड़ेगा? हाँ तो कहना पड़ेगा, नहीं तो पैसा कहाँ से मिलेगा? मुझे नहीं पाना है, दीदी को देना है। दीदी को देना है, क्या मतलब? आप किसी से मत कहिएगा। सीधी सीधी बता क्या बात है। मेरा मतलब, भैया जब ऑफिस जाते हैं तो दीदी हमारे घर काम करती है, और उसकी हाथ भी बहुत अच्छी है, सिलाई मशीन की काम भी करती है, और उसके साथ हमारे दुकान में फैब्रिक की काम भी कर लेती है। हाँ। मॉडर्न डिजाइन का ना हो तो आजकल लड़कियां पहनती नहीं है, दीदी बहुत अच्छी डिजाइन बना लेती है। हम उसको महीने में पैसे देते हैं, ये लीजिए, कहिएगा दुलू आया था। ठीक है। अच्छा, आप कौन? मैं उनकी साची जी हूँ। हाँ हाँ, समझ। किससे बात कर रही थी चाची? मछली वाला आया था क्या? नहीं, दुलू आया था, ये देकर गए हैं। दुलू? मैं कभी कभी। मुझे पता चल गई है तुम शहर क्यों आना चाहती थी। गांव में मैंने कितने लोगों का काम कर दिया पर किसी ने एक पैसा भी नहीं दिया, और यहाँ एक छोटे से काम का भी उसका मोल होता है। गांव में माला भी तो बहुत सारे लोगों के लिए काम कर देती है। एक काम कीजिए चाची, माला को भी यही रहने दीजिए, इतना बड़ा घर है, यहाँ रहेगी तो वो अपने पसंद का काम भी कर पाएगी। मैं समझ रही थी शहर में सारे बुरे लोग रहते हैं, सीरियल में देखती हूँ ना। माला के रहने से और एक काम हो जाएगा। माला? माला कहाँ है? वो अंदर ही है। अच्छा, क्या काम है बताओ। मैंने उसके लिए एक लड़का पसंद किया है। क्या? हाँ चाची जी। अच्छा चाची, आपको मिलन कैसा लगता है? मिलन? मैं भी उसी के बारे में ही सोच रही थी। मुझे तो उसने ही कहा है, अब माला क्या कहती है? अब तुम्हारी चाची जो कहे वही तो असली बात है। मैं शिकायत क्यों करूंगी?
शहर में लड़की दोगी या नहीं दोगी ये तो मुझे नहीं मालूम। ताना मत मारिए, अब मैं समझ गई हूँ, शहर में सारे बुरे लोग नहीं होते हैं। अच्छा हो, तो बात समझ में आ गई। हाँ। तालाब और झील रहने पर ही तो मछली खाने को मिलेगी या? ठीक है अब पंडित जैसी बातें मत कीजिए। अच्छा यूं ही बातें करती रहोगी, गांव जाने की भी तैयारी करोगी? जाती हूँ ना। भाभी कहाँ गई? वो बाथरूम गई है, अभी आ रही है। अच्छा मिलन भैया, मैं यहाँ से गांव नहीं जाऊंगी। अच्छा क्यों? मेरे यहाँ रहना तुम्हें पसंद नहीं है? तुम यहाँ रहोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा सुनो, इस बार बैसाख में मैं तुम लोगों के घर आ रहा हूँ। इस बैसाख में तो मैं यहीं रहूंगी। सच? हाँ बिल्कुल सच, इस बार तुम्हारे घर जाकर ये नाटक खत्म करके आऊंगी। नाटक? हाँ मिलन और माला, ये क्या नाटक का नाम नहीं है? माँ कहाँ गई? चाची छत पर गई है कुछ देखने के लिए, मालूम नहीं क्या देख रही है। क्या देखना चाहती थी? आसमान को, आज आसमान बहुत साफ नजर आ रही है ना? मैंने तुम्हें नहीं कहा था क्या, एक ही आसमान है, जो यहाँ है वो गांव में भी है। इतने दिनों से मैं समझ नहीं पा रही थी, छोटे का घर यहाँ हो जाए बहुत अच्छा होगा ना? तब तो फिर से गृह प्रवेश मनानी होगी। हाँ लेकिन इस बार मैं मेहमान की तरह नहीं रहूँगी। तुम मेहमान बनकर क्यों रहोगी? अरे ये अपना घर है, अब चलो वो लोग इंतजार कर रहे हैं। चाची आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जाने से पहले एक बार आसमान को देख रही हूँ। अगर चौथे यहाँ घर बनाए तो और ऊपर चढ़ना होगा, चढ़ पाओगी कि नहीं? क्यों नहीं चढ़ पाऊंगी, जरूर चढ़ पाऊंगी। गांव जाकर खेत के मैदानों में घर बनाने वाले को इन ऊंची ऊंची मकानों के बारे में जरूर बताऊंगी। चलिए चलो आओ। हाँ।